कोतवाली क्षेत्र में पड़ोसियों द्वारा पीड़ित व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दबंगों द्वारा की गई मारपीट की तस्वीरें हैं। बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दचड़ी छपट्टी निवासी शिवनाथ सिंह पुत्र रामनाथ सिंह का कुछ दिन पूर्व पड़ोसियों से प्लॉट पर लघुशंका करने को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी रंजिश मानते हुए बीते रविवार की शाम पीड़ित शिवनाथ पुत्र रमन पत्नी मंजू व मां जयश्री देवी के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं बता दें कि सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि घर के दरवाजे भी तोड़ दिए। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने पर की, जिसके बाद पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पीड़ित ने घटना को लेकर क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। शिवनाथ सिंह जी, कोतवाली में आपने शिकायत की है मारपीट की गई, आपके साथ क्या मामला था, किस वजह से मारपीट की गई? उसमें दीपू का लड़का दो, उनका भाई सुदेश और उनके संगे कम से कम 6-7 लोग और से लाठी डंडा लेके मेरे घर के दरवाजे लगे हुए थे, हम अंदर थे और लाते और डंडे मार के मेरे किवाड़े तोड़ दिए, चौकटों को सट तोड़ दिए, घर में घुस पड़े, मुझे मारा बुरी तरीके से, मेरे सर में टाँके लगे, चोट आई है, मेरा अंगूठा टूट गया है, मेरे लड़के को मारा है सरियों से, उसके सर में चोट है, पैरों में चोट है, मेरी अम्मा बूढ़ी हैं उनके थप्पड़ मारा, मेरी बीवी को धक्का मुक्की की। कितने लोग थे? कम से कम 10-11 लोग। क्यों मारा, क्या वजह थी? इसलिए मारा था, आज से 7 दिन पहले पेशाब की वजह से थोड़ी उमच आवर हो गई, तो हमने कहा बाहर का आदमी पेशाब कर दी भैया, गलती किसने? जैसा हमारे यहाँ एक आए थे मिलने के लिए रिश्तेदार, तो वो रात का टाइम था, उन्होंने एक खाली प्लॉट देखा जहाँ गोबर ओवर पड़ता है, भाई पेशाब कर दी, तो दीपू का लड़का निकल के आया, उनसे कहने लगा यहाँ क्यों मुँह था, तो हमने भैया बाहर का आदमी धोखे से मुँह लिया, भैया कोई बात नहीं, तो दीपू का लड़का गाली का पाड़ी करने लगा, गंदी गाली करने लगा, मैं ये धक्का भी मारा, तो इतने में मेरा लड़का भी आ गया, उसने कहा गालियाँ क्यों दे रहे, तो ये सब मेरे लड़के से 4-5 घंटे पड़ गए, मारा बुरी तरीके से, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, और इन्होंने कहा कि एफ आई आर की तो और मारेंगे, तो करके मारे हमने एफ आई आर नहीं की, तो मेरे लड़कों का पुलिस ईपी पुलिस में फार्म भी पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड ख़राब ना हो जाए। फिर अभी कल जो है ना 7 बजे के टाइम इन्हों लोगों ने क्या किया, हम घर में अंदर थे, ये 8-10 लोग घुस पड़े, उसमें ईपी दोनों लड़के सुदेश और 8-10 अज्ञात लोग थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, मेरे किवाड़ तोड़ डाले, चौकट किवाड़ तोड़ दे, बाहर से इतनी लाठी डंडा लाता घूसा चलाए, किवाड़ टूट गए, चौकट टूटी गली, और घर में घुस के हमें मारा, हमारे लड़के को मारा, मेरे सर में टाँके लगे हैं और अंगूठा ये टूट गया है। क्या चाहते हो? बस जो है ना मदद चाहते हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत की, शिकायत करे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल वगैरह कराया? मेडिकल कराया है। कहाँ के रहने वाले आप? हम ये दक्षिणी छपट्टी के रहने वाले हैं।